हाँ बच्चों, अब आप लोगों ने देखा कि रत्नावली नाटिका के तृतीय अंक में हमने 11 श्लोक किए थे। इसमें हमने देखा था कि विदूषक के द्वारा राजा, क्योंकि सागरिका के प्रेम में डूब के बहुत दुखी थे, उनके दुख को दूर करने के लिए विदूषक ने एक उपाय सोचा कि उनकी वासव दत्ता के वेश बनाकर उनकी सखी सुसंगता कांचनमाला का वेश बनाएगी, जो कि वासव दत्ता की सेविका है, और सागरिका को वासव दत्ता के कपड़े पहनाकर लेकर आएगी। ऐसी योजना बनाई थी जो राजा को मालूम थी। राजा वन में बैठे, उद्यान में बैठे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वासव दत्ता के वेश में सागरिका आने वाली। अब वो लेकिन कांचनमाला ने जाकर वासव दत्ता को ये सारा भेद खोल दिया कि विदूषक ने ऐसी योजना बनाई है। तो जब तक सागरिका वासव दत्ता के वेश में और सुसंगता कांचनमाला के वेश में आती, उससे पहले ही रानी वासव दत्ता स्वयं आ गई कांचनमाला के साथ। और जब वो उस वन में प्रवेश करती हैं, राजा के पास आती हैं, तो राजा उन्हें सागरिका समझकर, वासव दत्ता नहीं मान रहे थे, उन्हें सागरिका समझकर उनके साथ वार्तालाप करते हैं और उनकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। रानी चुप है, मुंह ढके हुए चुप है, पर्दा किए वो केवल देख रही हैं कि राजा सागरिका से कैसे वार्तालाप कर रहे हैं, अंदर से दुखी हो रही। अब राजा यहाँ फिर आगे बोलते हैं कि प्रिय सागरिके, देखो क्योंकि चंद्रमा उदय हो गया है, शाम हो गई है, तो वो चंद्रमा को संबोधित करके बता रहे हैं कि देखो, आरुह्य ये शैल शिखरम तद वदनाप अपहृत कांति सर्वस्वः प्रति कर्तुम उद्र कराहा स्थितः पुरस्तान निशाना था। वो सागरिका को कह रहे हैं कि देखो, आरुह्य ये शैल शिखरम, शैल पर्वत पे शिखर पर देखो चढ़ा हुआ ये चंद्रमा, तो वदना अपहृत कांति सर्वस्वः, क्या इसने तुम्हारे वदन की, तुम्हारे शरीर की, मुख की सुंदरता की कांति को नहीं चुराया है? प्रति कर तुम उद्र करहा स्थितः पुरस्तान निशाना था, देखो ये निशाना था, ये चंद्रमा पूर्व दिशा में स्थित हुआ अपनी सारी किरणों को समेट कर ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे मुख की सुंदरता को चुरा कर स्थित हुआ है। अपिचे दर्शित मनेनोद गच्छता जटत्यम, और भी देखो इसकी जड़ता देखो, किम पद्मस्य रुचम नहंती नयनानंदम विद्यते न किम वृद्धिम वा छब्स केतनस्य कुरुते ना लोकमात्रेण किम वक्त्रेन्द्रौ तव सत्ययम् यद परहा शतांशु अभ्युद उद्गतो दर्पहा स्याद अमृतेन चेदिहि तद अप्येवास्ति बिंबाधरे। अब यहाँ राजा कहते हैं कि चंद्रमा को शायद अधिक अभिमान है, ये तुमसे अधिक सुंदर नहीं है, लेकिन शायद ही अपनी सुंदरता का तुमसे अधिक अभिमान कर। यहाँ राजा कहते हैं कि किम पद्मस्य रुचम नहंती, क्या कमलों ने तुम्हारी मुख की कांति के सामने कमल नहीं मुरझा गए? नयनानंदम विधते ना किम, क्या तुम्हारे नेत्रों को नेत्र तुम्हारे आनंद नहीं दे रहे हैं? वृद्धि वा झस केतनस्य कुरुते नालोक मात्रेण किम, क्या ये जो कामदेव है तुम्हें देखकर अधिक वृद्धि को प्राप्त नहीं हो गया? अर्थात यहाँ पे राजा का कहने का अभिप्राय है कि तुम चंद्रमा से, कमलों से अधिक सुंदर हो। वक्त्रेन्द्रो तव सत्यम अयम यद परहा शतांशु अभ्युद्गतो। अब वो कहते हैं क्या चंद्रमा को अपने को अधिक, तुमसे अधिक सुंदर है? उसकी किरणें तुम्हारे मुख के सामने फीकी पड़ रही हैं, क्या वो अपने आप को अधिक सुंदर मानता है? जो कि आज वो तुम्हारे मुख के होते हुए सामने निकल रहा है, इसका मतलब उसे अपने ऊपर अधिक अभिमान है, क्योंकि दर्पहा स्याद अमृतेन चेदिहि। अब वो कहते हैं शायद चंद्रमा जो आज निकला हुआ है वो शायद अपने अंदर अमृत होने का अधिक अभिमान रखता है, तभी तो आज वो तुम्हारे उपस्थित होते हुए निकल रहा है। तद अप्य वास्ति बिंबाधरे, लेकिन शायद वे ये नहीं जानता कि अगर उसके अंदर अमृत है तो तुम्हारे अधरों में भी अमृत है। इस तरह राजा यहाँ पर चंद्रमा से अधिक रानी की सुंदरता का, सागरिका की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पर रानी इससे अधिक सहन नहीं कर पा रही थी कि राजा इतनी सुंदरता का सागरिका की वर्णन कर रहे हैं। वासव दत्ता क्योंकि स्वयं उपस्थित थी, अब वो अपना घूंघट हटा देती राजा के सामने। राजा उन्हें देखकर एकदम डर जाते हैं, विदूषक भी डर जाता है कि ये तो हमारा भेद खुल गया है। तब राजा एकदम विदूषक की तरफ देखते हैं कि अब हम क्या करें। तब विदूषक तो रानी से क्षमा मांगता है कि रानी, राजा की पहले अपराध के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। राजा फिर कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ। अब राजा एकदम, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी गरिमा दिखाई,
कि राजा भले ही राजा थे, सागरिका से प्रेम करते थे, लेकिन अपनी धर्मपत्नी वासवदत्ता, क्योंकि वो महारानी थी, उनके सामने जब उनका भेद खुला तो वो डर गए और अपनी पत्नी के चरणों में गिर जाते हैं। आताम्रताम अपनयामी विलक्ष एश लाक्षाकृताम चरणियोस्तव देवी मूर्धना कोपोप राग जनिताम तुमुखेन्दु बिंबे हर्तुम शमो यदि परम करुणा मई। यहाँ राजा देवी के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगते हैं। अब वो कहते हैं आताम्र ताम अपनयामी विलक्ष एश, हे रानी मैं तुम्हारे चरणों में लगे हुए इस लाक्षा रस को अपने सिर से पोंछ देना चाहता हूँ। लाक्षाकृतम चरणियोस्तव देवी मूर्धना, राजा उनके चरणों में गिर के कहते हैं कि मैं तुम्हारे चरणों के इस लाक्षा रस को जो तुमने चरणों में लगाया हो, हे देवी मूर्धना अपने सिर से मैं पोंछ देना चाहता हूँ। राजा उनके चरणों में गिरकर माफी मांग रहे हैं। कोपोप राग जनिताम तुमुखेन्दु बिंबे, कोप के कारण, क्रोध के कारण जो लालिमा तुम्हारे इस चंद्रमा जैसे मुख पर आ गई है, हर तुम क्षमो यदि, यदि तुम मुझे क्षमा कर दो तो मैं उसे भी पोंछ देना चाहता हूँ। यदि परम करुणामयी स्यात, यदि बहुत करुणामयी वासवदत्ता, यदि तुम्हारी मुझ पर दया हो जाए तो मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। यहाँ पर राजा वासवदत्ता कुछ नहीं कहती, वो कहती हैं कि राजा से कि केवल हे मैं निर्लज हूँ जो आर्य पुत्र मेरे चरणों में गिरे हैं, आप उठिए, निर्लज तो मैं हूँ जो आपके प्रथम अनुराग के बीच में बाधा बनी हूँ। ऐसे कहकर रानी वहां क्रोध करते हुए माते चली जाती। अब विदूषक कहता है कि मित्र ये क्या, ये तो अब हमारे प्राणों के लिए संशय उत्पन्न हो गया, बड़े दुख की बात है। अब राजा फिर से विदूषक पर क्रोध करते हुए कहते हैं कि देखो ये सब कुछ तुम्हारे कारण, धिक्कार है मुझे मोर को। अब वो आगे कहते हैं कि वो कहता है, विदूषक यहाँ भी कहता है कि रानी तो चली गई, अब कोई डर की बात है, उसने कहा नहीं रानी इस मेरे इस अपराध को या इस दुख को सहन नहीं कर पाएंगी, ये बहुत अनर्थ हो गया, महा अनर्थ है कुत है। अब वो कहते हैं समारूढ़ा प्रीति ही पड़े बहुमानाद अनुदिनम वैलीकम विक्षेदम कृतम अकृत पूर्वम खलु मया प्रिया मुंचत्य अद्य स्फुटम असहना जीवितम असौ प्रकृष्टस्य प्रेमणः स्खलितम अविषयम इभव। ये नीचे की लाइन में इसमें सूक्ति है। अब राजा यहाँ पर कहते हैं समारूढ़ा प्रीति ही प्रणय बहुमानान अनुदिन। अब वो कहते हैं प्रतिदिन प्रेम में आदर होने के कारण हमारा जो पति पत्नी का प्रेम था नित्य प्रति बढ़ता जा रहा। वैलिकम विक्षेदम आज मेरे इस अपराध को देखकर कृतम अकृतम पूर्वम खलु मया जो मेरे द्वारा पहले नहीं किया गया, पहले इससे पहले ऐसा अपराध नहीं किया गया उसे देखकर प्रिया मुंचत्य अद्य स्फुटम असहना जीवितम असो कि मैं ऐसा मानता हूँ मेरी प्रिया वासवदत्ता स्फुटम असहना ऐसे प्रत्यक्ष असहनीय दुख को देखकर जीवितम असो आज निश्चय ही वो जीवन धारण नहीं कर पाएंगे। प्रकृष्ट प्रेमणा स्खलितम अविषयम ही भवती क्योंकि प्रकृष्ट प्रेम अत्यधिक प्रेम का इस तरह स्खलित होना, इस तरह दुख प्राप्त करना, प्रेम का टूट जाना या प्रेम में इस तरह धोखा खाना निश्चय ही असहनीय होता है। ये नीचे की लाइन यहाँ सूक्ति देकर यहाँ राजा विदूषक से ये बातें कह रहे हैं।